evening, everyone. ऑल वेल, कैसे हैं आप लोग? मेरे को दो ही लोगों ने आंसर्स भेजे, बाकियों का क्या हुआ? मन नहीं किया आप लोगों का? इक्कीस लोग हैं आपके बैच में, शायद 27-28 लोग हैं. सो लेट्स वेट फॉर 30 seconds, लेट ऑल ऑफ देम ज्वाइन एंड वी विल स्टार्ट द क्लास. प्लीज अनम्यूट, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जिसका भी ये. हेलो सर. हेलो. हेलो सर. हाँ जी. गुड इवनिंग सर. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्लेम है सर, ये तो जो हमारा ये सब्जेक्ट कॉपरेटिव से ये एक आम सब्जेक्ट है इस पोस्ट के लिए, और मैक्सिमम जो पेपर होगा शायद 60% इसी सब्जेक्ट से, और जॉब का प्रोफाइल भी यही है. इस समय से आपसे हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है सर, एक तो थोड़ा स्पीड कम करिए सर, दूसरा आप सर बोर्ड का इस्तेमाल करिए प्लीज सर. अगर चाहे हमें एक ही टॉपिक क्यों नहीं ये कवर हो जाएगा, एक ही चैप्टर क्यों नहीं कवर होगा, मतलब विद इन स्पेसिफाइड टाइम, वो अगर हमें समझ आके हम खुद भी फिर सेल्फ स्टडी करते हैं. जब हमें ये मतलब समझ नहीं आता हमें सर प्रॉब्लम होती है फिर. प्लीज सर. ओके ओके ओके. कल हम क्या कर रहे थे? कल हम कर रहे थे मल्टी यूनिट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है ना? तो आज हमने वही बात आगे बढ़ानी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. और कल जो हम बात कर रहे थे उसी से शुरू करते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे. तो कल हम क्या बात कर रहे थे? कल हम बात कर रहे थे बेसिकली कि मल्टी यूनिट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या मतलब होता है. तो आज हम उसी से बात अपनी शुरू करेंगे और होपफुली आपको समझ में भी आएगी. तो मल्टी यूनिट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हाँ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 भी आज हमें कवर करना है. बट एक हाँ, तो पहला हेडिंग डालेंगे, छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं पहले 1942 के एक्ट का, फिर 84 वाले पे आते हैं. तो फर्स्ट हेडिंग विल बी मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1942. मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1942, ये हम कल पढ़ रहे थे, ठीक है? और ये हमने पढ़ा भी था. इस एक्ट का पर्पस क्या था? पर्पस था बेसिकली कि इशू ये था कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो मल्टीपल यूनिट्स में काम करती हैं या मल्टीपल ऑपरेशंस हैं जिनके, या मल्टीपल जगहों पे काम करती हैं जिनकी मल्टीपल यूनिट्स हैं, या फिर दे आर बीइंग फंक्शन इन डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट स्टेट्स में काम करती हैं. मसलन लेट्स से कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कश्मीर में रजिस्टर्ड है और वो हिमाचल में भी काम कर रही है या उत्तराखंड में भी काम कर रही है, इस तरीके से. ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हम क्या करें? क्वेश्चन यही है कि ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हम क्या करें? सो दैट इज द क्वेश्चन जो हमें आंसर करना है. तो अब ये जो एक कॉन्सेप्ट था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये ऑपरेशन दूसरे स्टेट में भी जाएगा, जब दूसरे स्टेट में जाएगा तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर, अब क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे कि आपको याद है 1919 का
जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, गुड इवनिंग, 1919 का जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये जो कोऑपरेटिव्स हैं दे वर ट्रांसफर्ड एज स्टेट सब्जेक्ट्स, इनको स्टेट लिस्ट का हिस्सा बना दिया गया। स्टेट लिस्ट का हिस्सा बनाने का मतलब क्या था? इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या था? इसका डायरेक्ट रिजल्ट था कि स्टेट वाइज लॉज बनने शुरू हो गए, स्टेट वाइज लॉज बनने शुरू हो गए। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत आपको मैंने कल बताया था और पिछले एक दो क्लास में रेगुलरली बता रहा हूं, 1945 के बॉम्बे एक्ट से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना? बॉम्बे एक्ट से इसकी शुरुआत होती है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी है जो मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रही है, तो जब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टीपल स्टेट में काम करेगी तो उसके ऊपर लॉ कौन सा लगेगा? भाई कोई सेंट्रलाइज लेजिस्लेशन तो है नहीं। सेंट्रल लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि भाई अगर आप इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए कोई नेशनल एक्ट होना चाहिए, अगर नहीं तो स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं तो स्टेट एक्ट होगा। अब मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो 1942 का आया, उसका यही मोटिव था कि बेसिकली अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी बेसिकली मल्टीपल सिटीज में काम कर रही है, उनको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन की जवाब को और डुप्लीसिटी ऑफ प्रोविजंस को खत्म करने के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया था, ठीक है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट क्यों बनाया था, इसका पर्पस क्या था? दूसरा तो हो गया, इस एक्ट का पर्पस क्या था? पर्पस मतलब क्यों बनाया गया था? पर्पस था टू मैनेज, आप ये साथ साथ लिख भी सकते हैं, एंड अगर आप जो भी अपनी नोटबुक अपनी आप लेते हैं नोट्स की तो उसमें आप ये लिख लिया करिए, टू मैनेज एंड रेगुलेट, कोऑपरेटिव्स शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, वर्किंग एज मल्टीपल यूनिट्स, वो कोऑपरेटिव्स जो मल्टीपल यूनिट्स में वर्किंग एज मल्टीपल यूनिट्स इन टू और मोर प्रोविंसेस। ये इस एक्ट का पर्पस था कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी है जो मल्टीपल यूनिट्स में काम करती है और मल्टीपल स्टेट्स में काम करती है, प्रोविंसेस का मतलब यहां पे स्टेट है, ये डिफरेंसिएशन आप भूलिएगा मत। आसान भाषा में समझाऊं तो मुगलों के टाइम पे जब एक नेशनल लेवल पे मुगल एम्पायर के टाइम पे सूबे होते थे, यानी कि मुगल एम्परर और उसके नीचे उसके प्रोविंसेस, वो सूबे होते थे। अंग्रेज जब आते हैं पावर में तो वो सूबा से प्रोविंस बन जाता है। हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो वही प्रोविंसेस जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टेट में। तो ये दोनों वर्ड जो है वो आप सिनोनिमस यूज कर सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने का आपको जरूरत नहीं है। तो पर्पस हमारी मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का यही था कि भाई वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो मल्टीपल यूनिट्स में कई स्टेट्स में काम करती हैं, उनका मैनेजमेंट और रेगुलेशन कैसे होगा। प्लीज आप अपने आप को म्यूट करके रखेंगे। कौन है ये? अब प्लीज ये इंश्योर कीजिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो ही अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दिक्कत होती है कि मेरा फिर जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है ना वो खराब हो जाता है। प्लीज ये इस बात का ध्यान रखिए। तो अब गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया? गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब इस पर्पस को फुलफिल कैसे किया जाए। तो गवर्नमेंट ने ये जो एक्ट बनाया 1942 का, ये क्या बोलता था? ये 1942 का एक्ट ये बोलता था, इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मैं शॉर्ट फॉर्म में फिर से लिख रहा हूं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, आप पूरा लिखेंगे अपनी कॉपी में, इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्किंग
इन मल्टीपल स्टेट्स द रेगुलेटरी पावर will be exercised by the state in which cooperative societies business is principally located. मतलब इसका क्या है, बहुत आसान भाषा में कि अगर मान लीजिए, अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी सोसाइटी है जो मल्टीपल स्टेट्स में काम करती है तो उसके केस में कौन सी स्टेट का लॉ लॉ उस पे ऊपर लागू होगा और कैसे रेगुलेटर रेगुलेशन होगा, वो ये है कि जैसे मान लीजिए मेरी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हम सब ने मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और हमने क्या बनाई, हमने एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और हमने बोला कि भाई कश्मीर का जो जाफरान होता है, लोकल वैरायटी ऑफ सैफरन, या जो बेसिकली हमारे हिमालयन स्टेट से, हमारी हिमालयन स्टेट से जो लेट्स से क्या ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, वॉलनट आता है या कुछ भी ऐसी चीजें जो आती हैं, हम इसको मार्केट करेंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पे, और हमने क्या किया, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ाया और हमने अलग अलग स्टेट्स में हमारी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के शॉप्स या यूनिट्स खोले जहाँ पे हम अपनी स्टेट से लाके वो सामान पूल करके हम नेशनल लेवल पे बेच रहे हैं। 1942 का एक्ट ये बोलता था कि जब भी कोई मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरीके से काम कर रही है तो उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन सी स्टेट के लगेंगे, क्योंकि कोई नेशनल लॉ तो है नहीं। तो उसमें उन्होंने ये बता दिया कि जिस स्टेट में उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस प्रिंसिपली लोकेटेड है, मतलब जहां से, जिस स्टेट से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस या